तुर्की देश नूं पहला दस दिता गया सी कि तुहाडे वड्डा भूचाल आउण वाला है, पर तुर्की नहीं मन्निया ते हुण इह भूचाल इंडिया दे विच वी आ सकदा है। तुर्की अते सीरिया तों बाद तुर्की अते सीरिया दे विच आए भूचाल दी भविखबाणी पहला ही डच रिसर्चर फ्रैंक होगरबीट ने कर दित्ती सी, जिहड़ी कि बिल्कुल सच साबित हुई। ते हुण उसने एक होर भविखबाणी कीती है जिहड़ी कि पाकिस्तान अते इंडिया दे लई डराउण वाली गल है। फ्रैंक होगरबीट ने कहा है कि हुण मुसीबत दा अगला टारगेट एशिया दे देश हन ते भारत अते पाकिस्तान दे विच वी तुर्की सीरिया वांग तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है। भावे कि लोगों ने पहला फ्रैंक की भविखबाणियों से ज्यादा ध्यान नहीं दिता सी, पर फ्रैंक की भविखबाणी तो कुछ दिन बाद ही तुर्की दे विच भूचाल आ जाता है, जिस तों बाद फ्रैंक पूरी दुनिया दी सुर्खियां दे विच आ जांदे हन। वैसे उन्होंने भविखबाणियों नूं कई लोग सच मन रहे ने, पर कई लोग कह रहे हैं कि यह फ्रैंक का सिर्फ एक तुक्का सी जिहड़ा कि चल गया। पर हुण इत्थे सोचण वाली गल यह है कि वाकई ही भूचाल की भविखबाणी की जा सकती है या नहीं। अज दी इस वीडियो दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे कि इंडिया दे विच सब तों वध भूचाल दा खतरा किहड़े इलाकियां दे विच है ते तुहाडा इलाका वी डेंजर जोन दे विच तां नहीं आ रहा। वीडियो देखदे देखदे ही तुसीं साडे फेसबुक दे नवे पेज जो टीवी मीडिया नूं जरूर फॉलो कर लेना ते नाल ही तुसीं इस नूं यूट्यूब दे उपर सबसक्राइब भी जरूर कर लेना। तुर्की अते सीरिया दे विच भूचाल तों हुई तबाही तों बाद हुण भारत दे लई वी इक भविखबाणी आई है। इस दे विच दस्सिया गया है कि आउण वाले कुछ दिनां दे विच अफगानिस्तान दे विच वी इक वड्डा भूचाल आवेगा ते इस भूचाल दी चपेट दे विच पाकिस्तान अते इंडिया दे वी कुछ हिस्से आउणगे। तुहानूं इत्थे इह वी दस दिंदे हां कि हर साल इंडिया दे विच लगभग 1000 भूचाल के झटके आउंदे हन। इन्हां 1000 भूचालां दे विचों सिर्फ 200 या 300 भूचाल दौरान ही धरती का हिलना सानू महसूस हुंदा है। इंडिया की जमीन का 69% हिस्सा भूचाल के डेंजर जोन वाले हिस्से दे विच मौजूद है। इंडिया दे विच भूचाल का सब तो वध खतरा हिमालय वाले इलाकों के विच है। इन्हां इलाकों के विच बहुत वड्डे भूचाल के झटके आ भी चुके ने जिहड़े कि रिएक्टर स्केल से बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाले सन। 1897 दे विच सिलोंग पठार के उपर 8.1 तीव्रता वाला भूचाल आया सी। 1905 दे विच कांगड़ा च 7.8 डेंसिटी वाला भूचाल आया सी। 1934 दे विच बिहार ते नेपाल बार्डर दे उपर 8.3 तीव्रता वाला भूचाल आया सी। 1950 दे विच अरुणाचल दे विच 8.5 तीव्रता वाला भूचाल आया सी। उत्थे ही नेपाल दे विच 2015 दे विच 7.9 तीव्रता वाला भूचाल आया सी। अक्सर ही इन्हां इलाकियां दे विच मीडियम तों लै के खतरनाक तीव्रता वाले भूचाल आउंदे रहिंदे हन, क्योंकि इन्हां इलाकियां दे कोल दी दो महाद्वीपां दीआं टेक्टोनिक प्लेटां मिलदीआं हन। जदों इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स अते तिब्बतन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस दे विच टकराउंदियां ने ते उस समें प्रेशर रिलीज़ हुंदा है ते ओह प्रेशर रिलीज़ होण दे नाल ही भूचाल आउंदा है। इंडिया दे विच पूरे 2000 किलोमीटर दे विच भूचाल दा खतरा सब तों ज़्यादा है। इंडिया दे साइंटिस्ट ने इंडिया नूं अलग-अलग 5 अर्थक्विक जोन दे विच वंडिया होया है। इस दे विच 5वें जोन नूं सब तों ज़्यादा खतरनाक मन्निया जांदा है। जोन 5 दे विच मौजूद इलाकियां ते स्टेट दे विच तबाही दा खतरा सब तों ज़्यादा है। 5वें खतरनाक जोन दे विच इंडिया दी जमीन दा पूरा 11% हिस्सा आउंदा है। 4थे जोन दे विच इंडिया दी जमीन दा 18% हिस्सा आउंदा है ते तीजे जोन दे विच इंडिया दी जमीन दा 30% हिस्सा आउंदा है। पर भूचाल दा सब तों वध खतरा जोन 5 ते जोन 4 वालियां नूं है। इन्हां जोन दे विच किहड़े राज ते इलाके ने इन्हां बारे समझणा बहुत ज्यादा जरूरी है, पर एक राज दे अलग-अलग इलाके भी अड-अड जोन दे विच हन। हुण आपां गल करदे हां अर्थक्विक जोन 3 दी, जिस दे विच गोवा, केरला, लक्षद्वीप द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश अते हरियाणे दा कुछ हिस्सा आउंदा है। इस दे विच गुजरात अते पंजाब दे कुछ हिस्से, पछमी बंगाल दा कुछ हिस्सा। हुण तुहानूं दस्सदे हां खतरनाक जोन 4 अते 5 दे विच किहड़े-किहड़े इलाके आउंदे ने। खतरनाक जोन 4 दे विच इलाके आउंदे ने लद्दाख, हिमाचल अते उत्तराखंड दा इलाका, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम अते उत्तर प्रदेश दे उत्तरी हिस्से, बिहार अते पछमी बंगाल दा बहुत छोटा जिहा हिस्सा, गुजरात पछमी तट दे कोल महाराष्ट्र दा कुछ हिस्सा ते पछमी राजस्थान दा छोटा जिहा इलाका आउंदा है। हुण आपां गल करदे हां जी डेंजर जोन 5 दे बारे, जिथे सब तों वध भूचाल दा खतरा है। इस दे विच इलाके आउंदे ने जम्मू कश्मीर दी कश्मीर घाटी, हिमालय दा पछमी हिस्सा, उत्तराखंड दा पूर्वी इलाका ते गुजरात दा कच्छ, उत्तरी बिहार दा हिस्सा ते भारत दे सारे उत्तरी राज, अंडेमान ते निकोबार द्वीप समूह भी इस जोन दे विच ही आउंदे हन। उत्थे ही पाकिस्तान दे विच वी इह भविखबाणी नूं लै के उत्थों दे लोकां दे विच डर पिया होया है कि तुर्की अते सीरिया तों बाद किते इह तबाही पाकिस्तान दे विच वी ना आ जावे। इह सब चीज़ां नूं देख के पाकिस्तान दे साइंस मोनिटरी सिस्टम ने इक बयान जारी कीता है। उहनां ने कहा है कि पाकिस्तान दे विच आउण वाले भूचाल दी भविखबाणी कदे वी सच नहीं हो सकदी, इह इक कुदरती घटना है, इस दे बारे पहला अंदाजा नहीं लगाया जा सकदा। कुछ लोग भूचाल दी भविखबाणी दी आलोचना कर रहे ने ते जदके कुछ लोग इस दी साइड भी लै रहे ने। इंडिया दे विच IIT रुड़की दे विच पिछले 60 सालां तों भूचाल दे उपर सर्च कीती जा रही है। इस दौरान जमीन दे विच होण वाले बदलाव ते उस तों पैदा होण वाले खतरयां बारे समझिया जा रहा है। इत्थों दे प्रोफेसर दा मनना है कि पूरा इंडिया भूचाल दे खतरे दे हेठ है। भूचाल दे खतरे नूं देखदे हुए ही इंडिया नूं अड-अड जोनां दे विच वंडिया गया है। इंडिया दे विच इक वी अजिही थां नहीं है जिथे जा के तुसीं भूचाल दे खतरे तों बिल्कुल सुरक्षित रह सकदे हो। उत्थे ही जेकर आपां भूचाल दी भविखबाणी दी गल करिए तां जानकारां दे अनुसार भूचाल दी भविखबाणी दे लई 3 चीज़
ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੀਜਾ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁਚਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ SSGS ਦੇ ਲਈ ਹੂਗਰ ਬੀਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਂਕ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰੈਂਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਅਰਥਕਵਿਕ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।